श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नए साल 2022 की पहली सोमवार अष्टमी 10 जनवरी 2022 को पड़ रही है। तो इस सोमवार अष्टमी को बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय करने वाले हैं, पर कुछ लोगों को कुछ उपायों में कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो उन्हें आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। क्योंकि आप लोगों ने हमसे पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और हमने आपको उसके आंसर्स भी दिए हैं, जवाब भी दिए हैं, तो इस बार भी आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप लोग अपनी मनचाही मनोकामना के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आता है, या आप लोग रोगग्रस्त हैं, आपको कोई भी समस्या है, तो आप इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। ये दोनों उपाय कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं सात बेलपत्र वाला उपाय। क्या है सात बेलपत्र वाला उपाय? आपको सात बेलपत्र ले लेना है, शुद्ध लेना है, खंडित नहीं लेना है, कटीपट्टी नहीं लेना है, ठीक है। सात बेलपत्र लेने के बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के सामने। और शिव जी के मंदिर में आपको क्या लेकर जाना है? जो केसर होता है उसका घिसा हुआ चंदन, ठीक है। केसर को घिसकर चंदन बनाना है, ऐसा खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है, ना कि चंदन लाकर आप लोगों को लगाना है। केसर को लाओ, केसर को घिसकर चंदन बनाना है, उस चंदन से आप लोगों को यही सातों बेलपत्री की बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर ओम लिखना है, और जो पहले मतलब आपके जो उल्टे हाथ की जो पत्ती होती है उस पर एक बिंदी लगानी है माँ जगदम्बा आदिशक्ति के नाम की, ठीक है। माँ जगदम्बा के नाम की उस पर एक सिर्फ बिंदी लगानी, बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है, और जो आपके सीधे हाथ की जो पत्ती होगी उस पर आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगाना है, ठीक है। दोनों साइड आपको यह काम करना है ना, और बीच वाली पत्ती पर ओम लिख देना है। अब यही काम आपको सातों बेलपत्र पर करना है। यह काम करने के बाद आप पर अर्पित जाना है, ठीक है। और आखिरी आप लोग बेलपत्र अर्पित करें तो वहाँ पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान के पैर पड़ लें और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल दें। इस सोमवार अष्टमी का यह उपाय करने के बाद आपको अगली सोमवार अष्टमी जो भी आएगी ना, अगर आपने पूरी श्रद्धा पूरे मन से पूरे विश्वास से इस उपाय को किया होगा, तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। अब एक और ऐसा ही उपाय है सात बेलपत्र का, वो भी आप लोग सुन लीजिए। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, धन नहीं आ रहा है, आपको कोई समस्या है, तो आप एक और सात बेलपत्र का उपाय है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है कि भाई ये उपाय कैसे करना है, तो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपको सात बेलपत्र ले लेना है, यही काम करना है। बीच वाली पत्ती पर केसर को घिसकर चंदन बनाकर ओम लिखना है, और साइड पहली वाली मतलब आपके हाथ की उल्टे हाथ वाली पत्ती पर आपको जो माँ जगदम्बा के नाम की बिंदी लगानी है, और सीधे हाथ वाली पत्ती पर आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है। अब बिंदी लगाने के बाद आपको करना है सातों बेलपत्र जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा कर आना है, ठीक है। चढ़ाने के बाद आपको भगवान जी के वहाँ पर दर्शन कर लेना, और साथ में लाल कपड़ा लेकर जाना है, ठीक है। लाल कपड़ा ले जाने के बाद आपको शिव जी के ऊपर पहले ये सातों बेलपत्र अर्पित कर देना है, वहाँ पर अपनी मनचाही मनोकामना बोल देना है। आखिरी बेलपत्र जब आप लोग अर्पित कर रहे हो, ठीक है, एक एक करके करना है, एक साथ नहीं करना है, एक एक करके करना है। और कुछ देर बाद आपको यही सातों बेलपत्र एक लाल कपड़े में बांध देना है और अपने घर की ओर ले आना है, ठीक है। या तो अपनी तिजोरी में रख देना है, या आप जहाँ पर काम करते हैं उसे सुरक्षित जगह पर रख देना है लाल कपड़े में बांध कर। ऐसा श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय बताया। यह व्यापार के लिए है, धन के लिए है, जिसका धन में मतलब वृद्धि नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं टिक रहा है, तो वो ये सातों बेलपत्री को एक लाल कपड़े में बांधकर दो तीन महीने के लिए रख के देखिए। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला आपको इससे निश्चित ही बहुत अच्छा फल मिलेगा, पर पूरे विश्वास के साथ पूरे श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिएगा, आपको निश्चित ही फल मिलेगा। सोमवार अष्टमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी परेशानी है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी जाकर देख सकते हैं, इन उपायों को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले भाई, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।